40 के दशक में हंगरी के अंदर कैरोली टेक्सिस नामक एक निशानेबाज हुआ करता था। वो राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी फेमस हो चुका था। हर कोई सोचता था कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएगा, लेकिन 1936 के ओलंपिक में जर्मनी के अंदर एक नियम लागू हुआ कि उनके निशानेबाजी की खेल महासंघ ने ये घोषणा की कि केवल कमीशन्ड ऑफिसर ही निशानेबाजी के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अपना खिलाड़ी कैरोली टेक्सस सार्जेंट की पोस्ट पर था, तो इस तरह कैरोली को 1936 बर्लिन ओलंपिक में अलाउ नहीं किया गया। उसने कहा कि सर, आप सार्जेंट की पोस्ट पर हो और हमें इससे ऊपर के लेवल के लोग चाहिए, इसलिए आप हिस्सा नहीं ले सकते। कैरोली का सपना था कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए वो। आखिर उसने दिन रात मेहनत की और सोचा कि एक दिन ओलंपिक में मैं जरूर गोल्ड मेडल जीतूंगा और देश का नाम ऊपर करूंगा। 1936 बर्लिन ओलंपिक में सिलेक्ट ना होने पर वो घर वापस आ जाता है, लेकिन निराश होकर नहीं। वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 1940 के ओलंपिक में सपना पूरा करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 1936 बर्लिन ओलंपिक खत्म होने के कुछ ही दिन बाद हंगरी ने अपना नियम बदल दिया। अब चाहे सार्जेंट हो या कमीशन ऑफिसर, हर कोई ओलंपिक में हिस्सा ले सकता है। सच में दोस्तों, जरा आप सोच कर देखें कैसे कैरोली को किस्मत पटक कर जलील कर रही थी, लेकिन इस बंदे का जज्बा बहुत ऊंचा था। उसने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं, 1940 ओलंपिक में जीतेंगे। लेकिन उसकी किस्मत तो मानो उसे ऊपर उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वर्ष 1938 में वो एक लड़ाई में गया हुआ था और उसके दाएं हाथ पर एक ग्रेनेड फट गया, जिसके बाद कैरोली को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। सोचिए क्या बीत रही होगी उस इंसान पर, एक ऐसा चैंपियन जिसे हर कोई ये मानता था कि ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा। जरा सोच कर देखिए, अगर बायां हाथ कट जाता तो कम से कम वो ये तो सोच लेता कि चलो जान बची है, दाएं हाथ से आगे खेलेंगे। लेकिन वही दायां हाथ जिससे वो निशाने लगाता था, जिससे कि वो रोज प्रैक्टिस किया करता था, और वही दायां हाथ कट गया। लेकिन दोस्तों, ये इंसान औरों से बहुत ही अलग था। उसने कभी हार मानना नहीं सीखी थी। एक्सीडेंट के एक महीने तक कैरोली टेक्सस अस्पताल में बेड पर पड़ा रहा, जिसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकला तो रोते हुए नहीं, डिप्रेशन में भी नहीं, बल्कि एक बार फिर से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खड़ा हुआ, इस विचार से कि गोल्ड मेडल तो मैं ही जीतूंगा चाहे कुछ हो जाए। और इस तरह से कैरोली ने अपने बाएं हाथ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और लगातार एक साल तक प्रैक्टिस करता रहा, जिसके बाद वर्ष 1939 के हंगेरियन नेशनल शूटिंग गेम्स की शुरुआत हुई तो कैरोली भी पहुंच गया। कैरोली को देखकर दूसरे अन्य शूटर उसके साथ अच्छे से पेश आने लगे और उसको बोलने लगे कि भाई कोई नहीं यार, लाइफ में जो हो गया हो गया, अब उसे कोई नहीं बदल सकता, आगे बढ़ो वगैरह वगैरह। कैरोली उनसे कहता कि मुझे तुम लोगों से सांत्वना नहीं चाहिए, मैदान में आओ और मेरे साथ मुकाबला करो। जिसके बाद मुकाबला शुरू हो जाता है और कैरोली नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीत जाता है। सोच के देखिए दोस्तों, जो लोग कैरोली को सांत्वना दे रहे थे, उसे बेचारा समझ रहे थे, उन सबको उसने पछाड़ दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती। वर्ष 1940 ओलंपिक आने वाला होता है और कैरोली बिल्कुल तैयार होता है कि इस बार गोल्ड मेडल वही जीतेगा। लेकिन किस्मत एक बार फिर से कैरोली को पटक देती है और वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और ओलंपिक 1940 कैंसिल कर दिया जाता है। सोचिए, जिस चीज के लिए ये बंदा 10 से 12 साल से तैयारी कर रहा था, वो कैसे आगे से आगे भागती जा रही है। आप खुद देखें कि वर्ष 1936 में अलाउ नहीं किया और 1940 में हाथ कटने के बाद भी उसी लेवल पर वो तैयार हुआ, लेकिन अब की बार ओलंपिक्स ही कैंसिल हो गए। लेकिन अब भी वो निराश नहीं होता और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। अब कैरोली फिर से 1944 लंदन में ओलंपिक में गोल्ड जीतने के लिए सोचकर और कड़ी मेहनत करने लगता है। दोस्तों, शायद इसकी जगह कोई और होता तो कप का दूसरा मन बना लेता, लेकिन इस शख्स ने कभी हार मानना नहीं सीखी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वर्ल्ड वॉर के कारण ही ओलंपिक गेम्स 1944 को भी रद्द कर दिया गया। वर्ल्ड वॉर की वजह से लगातार 2 बार ओलंपिक मैच रद्द हो चुके थे और धीरे धीरे कैलोरी की उम्र भी घटती जा रही थी। लेकिन कैलोरी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और लगातार निरंतर प्रयास करता रहा। अब एक बार फिर से कैरोली ने तैयारी की अगले ओलंपिक्स के लिए। वर्ष 1948 लंदन में होने वाले इस महाकुंभ में उसके अपोजिट में विश्व का सबसे बेहतरीन शूटिंग चैंपियन कार्लोस हेनरिके भी आया था और वहीं पर कार्लोस को कैरोली मिलता है। लंदन में उससे पूछता है कि अरे यहाँ कैसे आना हुआ। कैरोली बोलता है, यहाँ कुछ सीखने करने आया हूँ, देखने आया हूँ कि कैसे ओलंपिक्स होते हैं। और दोस्तों, जिसके बाद मुकाबला होता है जिसमें कैरोली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीतता है और कार्लोस हेनरिके देखता रह जाता है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर बैठा हुआ था। जिसके बाद तो कैलोरी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1952 हेलसिंकी ओलंपिक गेम्स होते हैं और वहां पर वो दोबारा से गोल्ड मेडल जीत जाता है। आप सोचकर देखिए कि ओलंपिक्स में एक एक खिलाड़ी का करियर ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 साल तक होता है।
क्योंकि नए बच्चे जो आते हैं वो नए तरीके से नए टैलेंट के साथ आते हैं और पूरी तरह से सुपीरियर बनकर आते हैं, तो उनसे मुकाबला करना आसान नहीं होता, ये बात आप जानते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि इंसान के जुनून के आगे एवरेस्ट भी छोटा है, उम्र बस एक नंबर है। अगर किसी इंसान के मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो वो आसमान की बुलंदियों को भी छू सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी बन जाता है, और वही लोग कांटों में राह बनाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं, और आप किस टॉपिक के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।